हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12 BSc बेस्ड में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं तुम्हारा, ठीक है? पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस किए थे आपके, ठीक है? अब आता है इसमें होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन इस पर स्क्रीन पर लिखा है, एम एक्सप्रेस इन एक्स वाई इन विच एवरी टर्म इज सेम डिग्री इस कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है? डिग्री सेम होनी चाहिए। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए जीरो एक्स पे पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए एन वाई पे पावर एन, ठीक है? इसमें से एक्स पे पावर एन कॉमन ले लेंगे तो ए जीरो प्लस ए वन बाई अपॉन एक्स प्लस ए टू बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, ओके? ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है। ऊपर और नीचे डिग्री क्या होंगी? हमारी सेम होंगी, हर टर्म की डिग्री सेम होगी। देखो एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन, इस पर यहां भी डिग्री एन मिलेगी, यहां भी डिग्री एन मिलेगी, यहां भी डिग्री एन मिलेगी, ठीक है? ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है। देखो होमोजीनियस फंक्शन नहीं पता होगा तो आपको इलर्स थ्योरम नहीं पता पड़ पाएगी, और इलर्स थ्योरम से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तुम्हारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बीएससी बेस से टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी केवीएस एनबीएस एनडीए इनमें सभी में पूछा जाता है ये, ठीक है? अब हम इलर्स थ्योरम की बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन पर। इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है, इफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, या एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ। एन हमारा क्या होता है? डिग्री होती है। एन को हम डिफाइन फाइंड कैसे करते हैं? एन इक्वल्स टू होता है डिनोमिनेटर, पावर ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है? पावर सेम रहती है उसमें तो, मोस्टली सिंगल पावर जो भी होगी, तो एन हम वहां से फाइंड कर लेते हैं। जैसे अंश में पावर 2 है और हर में पावर हमारी कितनी है? 1 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाती है। यहां से हम डिग्री फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनको भी हम नोट करेंगे, ठीक है? ये एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, आप एज ए रिजल्ट की तरह याद रखें। और x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन डेल यू अपॉन डेल वाई, और x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन एन माइनस वन इंटू यू होता है। ये तीनों ही रिजल्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये, और ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? ये सब रिजल्ट एज ए रिजल्ट पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप इन्हें अच्छे से देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? अब देखो यहां प्रूफ की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रूफ हमारा अब कहीं नहीं आता, ठीक है? बीएससी बेस्ड में भी टोटल एग्जाम ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है? तो प्रूफ हम नहीं करा रहे इसके, इसके क्वेश्चन लगवाएंगे, ओके? ठीक है, क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, और ये डायरेक्ट रिजल्ट, इसको इरेज करते हैं भाई, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखो क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से लिख लेना, ठीक है? हाँ, बीएससी बेस्ड में आपका हर टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है? आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ये आया हुआ है एग्जाम में टीजीटी में,
क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं, इफ यू एक्स वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, ए ऑप्शन दे दिया जीरो, बी ऑप्शन दे दिया वन, सी ऑप्शन दे दिया यू और डी ऑप्शन दे दिया टू यू। ठीक है, ये रिजल्ट दिए हैं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखो इसको करते हैं डिस्कस, आंसर लिखते हैं। अब देखो हियर हियर यू इज ए होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री डिग्री एन इक्वल्स टू कितना, इसमें अंश की पावर कितनी है वन और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है वन इक्वल्स टू जीरो, बाई हैंस बाई इलर्स थ्योरम, इलर्स थ्योरम ये एग्जाम में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू एन यू होता है, n की जगह हमारा कितना मिल गया जीरो इंटू यू बराबर जीरो, दिस इज आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको स्टेटमेंट पता है तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। ओके, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई वैल्यू ओवर डेल वाई, ए ऑप्शन है इसका जीरो, बी ऑप्शन है यू, सी ऑप्शन है टू यू और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे लिख लें। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। देखो आंसर लिखते हैं इसका, हियर यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री डिग्री एन इक्वल्स टू कितनी, ऊपर देखो ये तो वन टू थ्री माइनस और नीचे कितनी है, जो डिनोमिनेटर में पावर है डिग्री की वो कितनी है थ्री और नीचे कितनी है वन इक्वल्स टू टू, बाई इलर्स थ्योरम क्या होता है स्टेटमेंट, एक्स वैल्यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई वैल्यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, एन की जगह टू यू, बस दिस इज आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। आपको यह स्टेटमेंट पता है तो आप इन्हें इजीली लगा पाएंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, आप इसे कर लें, लिख लें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, इफ इसको इरेज करते हैं, देखो इसको इरेज करते हैं, इफ क्वेश्चन थर्ड है ये, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ साइन यू नहीं
if u equals to sin inverse, कितना दिया है, sin inverse x square upon x square plus y square upon x plus y, then the value of x del u over del x plus y del u over del x is equals to, a option दिया है 0, b option u दिया है, c option sin u दिया है और d option tan u दिया है। ये option दिए रहेंगे, ठीक है, एक इनमें से कोई सा सही होगा तुम्हारा। तो देखो डिस्कस करते हैं, u equals to दिया है यहां sin inverse x square plus y square upon x plus y, तो यहां से साइन को इधर ले जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, हियर साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी एन इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर की पावर देखो 2 माइनस डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 1 इक्वल्स टू 1, हैज बाय एलर्स थ्योरम एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, यू की जगह हमारा साइन यू है, साइन यू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाय डेल यू ओवर डेल वाई साइन यू इक्वल्स टू एन यू, एक बार लिख देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू एन यू होता है, u की जगह हमारा साइन u है, x डेल ओवर डेल x साइन u बाई डेल ओवर डेल y साइन u इक्वल्स टू एन की जगह 1 साइन u, ओके, u की जगह साइन u हमारा गिवन है, ठीक है। अब इसका देखो साइन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट cos u डेल यू ओवर डेल एक्स, तो कॉस यू एक्स तो ये है और यू का डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस कॉस यू बाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू साइन, ठीक है। अब कॉस यू कॉमन लेके नीचे ला रहा है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स बाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू साइन यू अपॉन कॉस यू, तो ये क्या हो जाता है हमारा साइन अपॉन कॉस टेन यू, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। यार आपको थ्योरम पता है, उसका स्टेटमेंट पता है, होमोजीनियस फंक्शन पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके दो ही वीडियो बनेंगे, एक वीडियो और, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम टोटल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक लेक्चर और बनेगा इसका, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से वॉच करें, चैनल पर रेगुलर रहें, ठीक है, आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी, ओके बाय।